गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू से कि गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियोस फॉर यू, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं बैठा हूँ रेनो ट्राइबर में, तो ऑब्वियसली मैं आपको रेनो ट्राइबर के बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आज बात करते हैं रेनो ट्राइबर की सर्विसेज के बारे में, कि ये कार इतनी बड़ी है और मतलब 1000 cc का इंजन है, इतनी बड़ी कार है, तो कितना खर्चा ये मांगती है, साल में एक बार कितना खर्चा मांगती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रेनो बाहर की कंपनी है तो इसके पार्ट्स महंगे होंगे, इसकी सर्विस महंगी होंगी। तो आज मैं वो डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट फ्री सर्विस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी रेनो की ऐप है और ये रही रेनो की ऐप है। और फर्स्ट फ्री सर्विस मेरी हुई थी 1000 किलोमीटर्स पे, या ये होती है 2000 किलोमीटर्स या 2 महीने के बाद। तो ये जो मेरी सर्विस थी ये तो फ्री थी, इसमें जनरल चेकअप होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वॉशिंग वगैरह करके दे देते हैं वो और जनरल चेकअप करते हैं। तो इसमें तो ऑब्वियसली 0 रुपीज़ ही लगने थे। अब बात करते हैं, ये रनिंग रिपेयर है। रनिंग रिपेयर, ये कुछ पार्ट मेरी कार में कुछ दिक्कत आई थी और फिर मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ गया था और एक पार्ट चेंज हुआ था, हालांकि वो अंडर वारंटी चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वो पार्ट मेरी गलती से खराब हुआ था। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब बात फर्स्ट फ्री सर्विस तो मैंने आपको ये दिखा दी, टोटल 3 फ्री सर्विसेज होती हैं। तो बात करते हैं सेकंड फ्री सर्विस की। जो सेकंड फ्री सर्विस है ये आप देख सकते हैं 5000 किलोमीटर्स पे मैंने कराई थी, क्योंकि हालांकि 10000 किलोमीटर पे होनी चाहिए लेकिन मेरी कार ज्यादा चली नहीं थी, एक साल में ज्यादा चली नहीं थी, तो इसलिए मेरे को मतलब एक साल में मेरी कार सिर्फ 5000 किलोमीटर चली थी, तो इसलिए मैंने 5000 में ही कराई, मतलब एक साल के बाद कराई। और ये कितनी इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी, 2455 रुपीज़। तो देखिए गाइस कितनी सस्ती इसकी सर्विस है। इसमें इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर, और जो इंजन ऑयल चेंज करने के बाद जो थोड़ी बहुत कैप्स वगैरह लगती हैं वो भी लगी थी, और उन सबके इसमें इंक्लूड है। मतलब एक जनरल सर्विस में यही मेन चीज़ होती है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, यही मेन चीज़ होती है और यही सब इसमें चेंज हुई। और देखिए इसमें लेबर कॉस्ट तो फ्री होती है क्योंकि ये फ्री सर्विस है, और लेकिन इसका मेरा टोटल कॉस्ट पड़ा था 1700 रुपीज़। जो एक्स्ट्रा ये 500 to 600 जो एक्स्ट्रा लगे हैं, ये मेरे 600 जो एक्स्ट्रा लगे हैं ये मेरे इसलिए लगे हैं क्योंकि मेरे कार के एसी में कुछ दिक्कत आ गई थी। चूहे ने कुछ एसी की तारें काटी थी, पता नहीं तारें नहीं काटी थी, उसने मोटर में कुछ गड़बड़ कर दी थी चूहे ने। तो मेरा पूरा डैशबोर्ड, ये सामने का मेरा पूरा डैशबोर्ड खुला था, ये सेंटर कंसोल खुला था, तो ये डैशबोर्ड और ये सेंटर कंसोल खोलने के कंपनी ने 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए थे, और फिर जा करके इतना बिल मेरा बना था, कितना 2400 फिर जा करके मेरा बिल बना था। फिर बात आती है थर्ड फ्री सर्विस की, और जो थर्ड फ्री सर्विस थी इसमें मेरी कार 15000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो 10000 के बाद होती है। सेकंड फ्री सर्विस मेरी 5000 पे हुई थी, तो नेक्स्ट मेरी होनी थी 15000 पे, तो 15000 पे ये रही, तो 15000 पे मेरी ये वाली सर्विस हुई थी और इसका मेरे को कॉस्ट आई थी 1745। तो देखिए मतलब गाइस कितनी सस्ती सर्विस है, एक इतनी बड़ी कार की, एक 7 सीटर कार की सर्विस आपकी मतलब नॉर्मली 1700 रुपीज़ में हो रही है, तो आपको और क्या चाहिए। इसमें 1700 में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब चेंज हुआ था जो कि रिक्वायर्ड होता है, तो मतलब इतनी सस्ती सर्विस है तो गाइज आपको और क्या चाहिए। मतलब ये कार है, ये कार मुझे परफॉर्मेंस दे रही है, मुझे माइलेज दे रही है, ये कार मुझे 7 सीट्स दे रही है, ये कार मुझे सस्ती मेंटेनेंस दे रही है, ये कार मुझे सस्ते स्पेयर पार्ट्स दे रही है, ये कार मुझे फील गुड फैक्टर दे रही है, तो मैं इस कार से और क्या मांगूँ। तो ये चीज़ है गाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने आपको सर्विसेज के बारे में भी बता दिया। तो ये है, आप किसी से भी पूछेंगे तो हर किसी की सर्विस ऐसी होती है। और रेनो के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा गाइस, एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा रेनो के साथ कि बहुत हम्बल एक्सपीरियंस रहा। मैं जब गया उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करा, उन्होंने एक्स्ट्रा ये चीज़ें ऐड करी, व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट ऐड करी, लेकिन मैंने उनसे वो करवाई नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट थी ही नहीं। जब मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट थी ही नहीं तो मैंने वो चीज़ कराई भी नहीं। तो ये फ़ायदा होता है गाइस, मतलब ये फ़ायदा है। रेनो एक ऐसी कंपनी है जो अपना ब्रांड इंडिया में बना रही है, रेनो को 10 साल हो चुके हैं इंडिया में और वो इस अपना अपनी रेपुटेशन इंडिया में बना रही है, तो अपनी रेपुटेशन वो ख़राब नहीं करना चाहेगी ऑब्वियसली। तो जब वो अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि मतलब वो बाकी सारे सर्विस सेंटर का पता नहीं, लेकिन हालांकि मैंने जिन जिन लोगों से बात की है वो तो यही कहते हैं कि मतलब उनका रेनो के सर्विस सेंटर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और वो फालतू के पैसे लेने की। आज तक मैं 4 बार सर्विस सेंटर चला गया, उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं बोला कि आप इंजन कोटिंग करा लीजिए, आप रस्ट कोटिंग करा लीजिए, आप ये करा लीजिए, आप वो करा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो ऐड करा है वो सिर्फ व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट थी। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और सबसे बड़ी बात कि टाइम नहीं लगा, मतलब वहाँ पर ना ज़्यादा क्वान्टिटी में गाड़ियाँ आती हैं, तो मैं जस्ट गया, मेरी सर्विस हुई और मैं वापस आ गया। और मैं मारुति में जाता तो वहाँ तो सारा सारा दिन लग जाता है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियाँ आती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है रेनो की गाड़ियाँ लेने का। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।